नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। मोदी सरकार कश्मीर में आतंक के सर्वनाश का प्लान बनाकर बैठी है। चुन चुन कर आतंकियों को जहन्नुम में और अलगाववादियों को जेल में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री साहिबा महबूबा मुफ्ती ना जाने कौन सा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है। चोट अलगाववादियों पर हो रही है और दर्द महबूबा मुफ्ती को हो रहा है। एक तरफ वो गद्दार अलगाववादियों से बातचीत का सुझाव दे देती है तो दूसरी ओर धमकी दे रही है कि आर्टिकल 370 अगर हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, कोई नहीं होगा। लेकिन सरकार के इरादे बिल्कुल साफ है, यानी मोदी सरकार के इरादे साफ है। चाहे कश्मीर में सरकार चली जाए तो जाए, पर कोई आतंकी ना बच पाए। तो क्या वाकई दाव पर आ गई है जम्मू कश्मीर की यह सरकार? आज की सबसे बड़ी खबर, एक्सप्लोसिव खबर यही है और आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस लाइव। और आज का आर पार बेहद जोरदार रहने वाला है क्योंकि हमारे पास बहुत ही बड़ी खुफिया खबर है। ये कश्मीर में आतंक के खिलाफ मोदी सरकार का मिशन सर्वनाश है। सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है, आतंकियों और इनके पनाहगारों का सफाया, वो भी हर कीमत पर। इसीलिए आतंकी जहन्नुम में भेजे जा रहे हैं और इनके पैरोकार जेल में। हुर्रियत के चेहरे, अलगाववादी के समर्थक के चेहरे, गिलानी के चेहरे, जितने अलगाववादी लोग हैं उनके चेहरे अब बेनकाब हो गए हैं और पत्थरबाजों के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस सख्ती से ज्यादा खुश नहीं है। जरा महबूबा का ये बयान सुनिए। डायलॉग हो, ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ हो। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं सारे रिस्क के बावजूद, ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, महबूबा मुफ्ती तो यहां तक कह रही हैं कि अगर आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा न मिला होता तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता। उधर महबूबा के विरोधी खुलकर यह आरोप लगा रहे हैं कि अलगाववादियों को लेकर उनका रुख कुछ ज्यादा ही नरम है। महबूबा, इफ यू रिमेम्बर, कॉल्ड गिलानी एज अ फादर एंड महबूबा'स पार्टी वन इन साउथ कश्मीर which is quite a lot of support for Gilani. अब सवाल है कि क्या कश्मीर को लेकर बीजेपी और पीडीपी की सोच पूरी तरह अलग हो चुकी है? और सवाल आर्टिकल 370 का भी है, क्या महबूबा मुफ्ती के खुले विरोध के बाद बीजेपी इसे खत्म करने का वादा पूरा कर पाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब विश्लेषण सुनिए, महबूबा की अलगाववादी बोली का विश्लेषण। 7 महीने में 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हुआ है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में महबूबा का अड़ंगा रहता है। इसके बाद अलगाववादियों पर मोदी गर्म है लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो नरम दिखाई देती है। वो कहती है सब स्टेक होल्डर से बातचीत हो जाए। इसके बाद महबूबा को कश्मीर से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है। उनको लगता है कि अगर मैंने मोदी सरकार का साथ दिया तो मेरा वोट बैंक मुझसे खिसक जाएगा, जो बहुत साफ दिखाई देता है। इसके अलावा महबूबा की सबसे गंभीर चेतावनी जो इस मुल्क के लिए है, हर उस देशवासी के लिए जो स्क्रीन के उस पार बैठा है, साफ कहना अगर धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। कोई, उन्होंने एग्जैक्टली बोला, कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं बचेगा। इस बोली को क्या कहेंगे जनाब? राज को मेरा बीजेपी से एक ही सवाल होगा, सरकार पहले या देश पहले? और मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ
कई बड़े बड़े मेहमान हैं मेरे साथ। सैयद शाहनवाज हुसैन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के। आलोक शर्मा साहब है मेरे साथ, कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इंजीनियर राशिद इस डिबेट के अंदर जुड़ रहे हैं, जो कि निर्दलीय विधायक हैं और अलगाववादियों की आजाद कश्मीर की पुरजोर वकालत करते हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ विशंबर दयाल साहब है, जो कि खुलकर सवाल पूछते हैं हर किसी से। मेरे साथ कैप्टन अनिल गौड़ है, जो कि वरिष्ठ नेता है पीडीपी के। और मेरा पहला और सीधा सवाल यही, अनिल गौड़ साहब, इस मुल्क की बदौलत ही, इस मुल्क के लोकतंत्र की बदौलत ही, इस मुल्क के संविधान की बदौलत ही, इस तिरंगे की बदौलत ही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर सूबे की मुख्यमंत्री हैं, फिर उन्हें यह बात क्यों कहनी पड़ी कि अगर 35A हटा, अगर 35A हटा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप भी पुराने फौजी हैं, शर्म से सर नहीं झुक गया उस दिन जब यह बोला गया? कैप्टन अनिल गौड़। अमीश जी, आपका जो एक मीडिया का एक तरीका है पेश करने की बातों का, मेरे को उसके ऊपर बहुत हंसी आती है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें, जब ये देश आजाद हुआ और जब J&K का एक्सेशन हुआ इंडियन यूनियन के साथ, आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशली इनकॉर्पोरेट हुआ उसके अंदर। और जो ये 35A की बात करते हैं, ये 1927 में महाराजा हरि सिंह ने एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया, ये उसी का एक्सटेंशन है। अब महबूबा जी ने जो बोला, अब आप पूरा अगर सुने, उन्होंने ये कहा कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत खड़े हैं और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम कर रहे हैं। पर अगर आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दें, आप पूरा, क्योंकि आप पूरा जो उनका स्टेटमेंट है, कौन उड़ा रहा है धज्जियां? सुनाते नहीं है, सिर्फ कौन उड़ा रहा है धज्जियां? उस संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, मैं जानना चाहता हूं आपसे, उस संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है गौर साहब? वही वो कह रहे हैं, उस कौन उड़ा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। धज्जियां जो उड़ा रहा है आपकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, आपकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है बार-बार जो आप कहते हैं जी। नहीं, मैं आपसे ये, आप सुन लीजिए ना, बता दीजिए आप, जो लोग बार बार इसको कहते हैं कि जनाब हमने इसको 370 को अब हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हम इधर करेंगे चैलेंज, जब एक चीज संविधान में आपने एक स्टेट को दी, उसने एक्सेशन किया। ये बात बताइए ना, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप पीडीपी के नेता हैं। कैप्टन साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कैप्टन साहब हियर मी आउट, कैप्टन साहब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप 20 सेकंड के लिए भूलिए आप पीडीपी के नेता हैं, 20 सेकंड के लिए सोचिए, आप पुराने फौजी हैं, आपका शर्म, आपका सर शर्म से नहीं झुक गया जब महबूबा मुफ्ती ने यह चेतावनी दी मेरे मुल्क को? आपका सर शर्म से नहीं झुका था? बताइए मुझे आप, आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है, वो बोलिए मुझे इस समय। आप बात सुन लीजिए ना, बताइए गौर साहब, अभी अभी आप सुन, अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनिए, अगर सुनना चाहता हूँ बताइए आप, ये मुल्क सुनना चाहता है, ये चेतावनी नहीं सुनना चाहता मुल्क? मैं वो, अगर आप इस देश में गुस्सा है बोलूंगा, आप सुनिए तो सही, देश में गुस्सा है, हमें भी गुस्सा है। आप जो बातें करते हैं, महबूबा जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा कि वहां पे जो वैली के अंदर तिरंगा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, कि अगर आप उनके जो बेसिक जो हकूक है उसी को आप हटा देंगे। विशंबर दयाल, इसको चेतावनी नहीं समझे तो क्या समझे? मीडिया गलत समझ रहा है, मीडिया पीडीपी के सरकार की पक्ष की बात करे तो सही है, लेकिन मीडिया अगर सवाल खड़ा कर दे तो मीडिया गलत है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का नॉर्मल नेचर है, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पॉलिटिकल पार्टी 1, 2, 3, 4 दिन में 6 दिन डिबेट करता हूँ, हर दिन एक पॉलिटिकल पार्टी ये लाइन लेती है, आई केयर अ डैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात के ऊपर। लेकिन आप विशंबर दयाल, अनिल जी ये चेतावनी नहीं तो क्या है? अनिल जी एक मिनट मेरी बात सुनो जी, आप एक बात सुन लीजिए बड़े आराम से, वो ये है कि जो ख्यालात हैं आप उस ख्यालात को बंद नहीं कर सकते। ओके विशंबर दयाल जी, मेरी बात सुनिए, अलग अलग ख्यालात हैं हर किसी के। अनिल जी मेरी बात सुनिए आप, एक महबूबा जी ने ये स्टेटमेंट किस टाइम पे दी? महबूबा जी ने 3 साल स्टेटमेंट की बात नहीं की, महबूबा जी ने स्टेटमेंट जब दी जब NIA ने रेड्स किए, कुछ लोग पकड़े गए, उनकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई, कुछ तथ्य कुछ
ये आपका कहना है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आपने, कौन सा संविधान कहता है, बोले दीजिए कौन सा संविधान, अनिल अनिल भाई यू आर एब्सोल्युटली अनिल, अरे ये भी फौजी है, इनका खून बोल रहा है, आई एम नॉट रॉन्ग, हिज ब्लड इज बॉइलिंग, शी डिड नॉट, वो वहां नहीं रुकी, उसके बाद अगले दिन उसने क्या कहा कि एक आइडिया है, ये कौन सा आइडिया है, कौन से संविधान में लिखा ये आइडिया कि जम्मू एंड कश्मीर की, कश्मीर में एक आइडिया है और ये लड़ाई उस आइडिया की है। एक चीफ मिनिस्टर जो कि एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, फर्स्ट टाइम किसी चीफ मिनिस्टर ने, ये एक साजिश के तहत पे पहले दिन एक स्टेटमेंट अनाउंस की उसने, दूसरे दिन उसको फॉलो अप किया। ये अगर अपने आप को अपने अलगाववादियों की हिफाजत में उनके साथ खड़े होके उनकी भाषा बोलनी, ये जो महबूबा जी ने आइडिया की बात की है, अगर आप सैनिक हो यही ISI बोलती है, ठीक है ठीक है विशाल, अगर आप सैनिक हो यही सारा पाकिस्तान बोलता है, अगर आप सैनिक हो यही पाकिस्तान बोलता है कि JNK जो है वो कुछ नहीं, एक आइडिया नहीं है, वो तो एक 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 रियासत है, इंडिपेंडेंट। मैं आलोक शर्मा आपका रुख करता हूं, हो सकता है मैं रीड गलत कर रहा हूं बतौर पत्रकार, महबूबा मुफ्ती के हाल के बयानों को आप कैसे रीड करते हैं, हुर्रियत ने अनिल कौर साहब आपका मौका हुआ, मैंने आपको शुरुआत के 7 मिनट दिए बोलने के लिए, अनिल कौर नॉट फेयर, लेट आलोक शर्मा कम इन देन यू कैन रिस्पोंड। नहीं नहीं एक मिनट, आप जो ये कह रहे हैं आइडिया की बात कर रहे हैं, ये कौन सी आइडिया की बात कर रहे हैं, महबूबा जी ने ये कहा, देखिए इतनी शॉर्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए उन्होंने, आप बताइए ना किस आइडिया की बात की, अरे किस आइडिया की बात की, आप बताइए ना आप बताओ, स्टेटमेंट महबूबा जी ने दी है, मैंने नहीं दी, नहीं ठीक है, स्टेटमेंट मैंने नहीं दी, महबूबा जी ने दी है, आप पूछो बीजेपी पूछे, आप लोग जवाब दो, मैं रुक करता हूं, मैं रुक करता हूं, कौन सा आइडिया, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा टेबल पे लाओ, उस आइडिया को टेबल पे लाओ, मैं रुक करता हूं, जवाब देगा उसका, मैं सीधा रुक करता हूं, आलोक शर्मा का, आलोक शर्मा बतौर पत्रकार हो सकता है मैं गलत रीड कर रहा हूं, लेकिन आप क्या रीड करते हैं महबूबा मुफ्ती के हाल के बयानों को, अभी तक इतने अलगाववादी अरेस्ट हुए हैं उस पर कुछ नहीं कहना, जब बोली है तो कुछ उनके पक्ष में ही आके खड़ा हो जाता है, क्या माना जाए बताइए आलोक शर्मा। देखिए मैं समझता हूँ पूरी तरह से इसको, नहीं अमीश जी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग है, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, वो पूरी तरह से धमकी भरा लहजा है और वो चेतावनी है एक तरह से कि आप अगर इस तरफ इस दिशा में कोई एक कदम भी बढ़ेंगे तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बयान जो है वो NIA की जो जाँच चल रही है या कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं उसकी वजह से नहीं हुआ है, ये 16 जुलाई को वी द सिटीजन करके एक NGO है जिसने 35A को 2 साल पहले चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, 16 जुलाई को केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट दिया है दैट दिस इज कंप्लीटली लीगल मैटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस, और वो केस एक्सेप्ट होने के बाद 2 साल के बाद पहली डेट लगी थी और उसमें PDP की केंद्र वहां की जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा कि 35A नहीं हटना चाहिए और BJP जो अपना पूरा 70 साल का रिकॉर्ड था उसको छोड़कर KK वेणुगोपाल साहब ने कहा कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन एडमिट हो गई है उसके बाद से महबूबा जी तिलमिलाई हैं और ये संविधान संविधान और संविधान और तिरंगे का सीधा उनसे जवाब लेता हूँ। सैयद शाहनवाज हुसैन, आज की डिबेट हमें इसलिए करनी पड़ी, इस मुल्क के सामने आना चाहिए, महबूबा मुफ्ती बतौर मुख्यमंत्री इस समय वहां पर क्या कुछ कर रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में आपकी साझा सरकार है, लेकिन इधर मोदी सरकार तो बहुत गर्म है अलगाववादियों पर, लेकिन महबूबा मुफ्ती उतनी नरम है अलगाववादियों पर, बहुत नाखुश है जो कार्रवाई आप लोग करवा रहे हैं, बताइए आपके लिए कश्मीर की सरकार जरूरी या मुल्क का सम्मान जरूरी, आज मैं आपसे पहला सवाल शाहनवाज हुसैन यही पूछता हूं, बताइए वॉट इज फर्स्ट और भारतीय जनता पार्टी, वो जायज है, आपका सवाल जायज है, हमारे लिए सरकार जो है वो कश्मीर के लिए है, देश के लिए है, हम सरकार वहाँ सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के लिए कर रहे हैं, हम लोग वैसी पार्टी हैं जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 ख़त्म हो इसके लिए हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष थे उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है, हम एक ऐसे दल हैं जो महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो पार्टी है
जहां हुए कुर्बान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो नाराज कहां चला गया? धारा 370 पर कॉम्प्रोमाइज क्यों? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, तो धारा 370 हटेगी इस मोदी राज में? धारा 370 हट जाएगी? एक सेकंड सर, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानवाज सर, धारा 370 हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बताइए इस देश की जनता को, हटेगी नहीं हटेगी? मैं यही कह रहा था जी अमित जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड सबको मालूम है, हम और महबूबा मुफ्ती अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, कई मुद्दों पर हमारे उनके विचार नहीं मिलते हैं। हमारा स्टैंड 370 पर जो बीजेपी का है वो है, लेकिन हमने राष्ट्रहित में वहां सरकार बनाई है, हम चुनाव भी अलग अलग लड़े हैं, लेकिन हमने राष्ट्रहित में सरकार बनाई कि दुनिया में ये संदेश न जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट चुना है उसमें महबूबा मुफ्ती एक अड़ंगा है, ये बात आप भी समझते होंगे, लेकिन बोल नहीं सकते, आपकी कुछ मजबूरी होगी, मैं आपके पास आऊंगा उस मुद्दे के ऊपर। लेकिन मेरे साथ इंजीनियर राशिद है, मैं इंजीनियर राशिद को इस डिबेट में लेके आना चाहता हूँ। इंजीनियर राशिद, द बेसिक एंड फर्स्ट क्वेश्चन यू, शाहनवाज जी, मैं आपके पास बताऊंगा, आई प्रॉमिस सर, आई कम बैक टू यू। खात्मा कर रहे हैं ये, एक और बैठे हैं मेरे साथ इंजीनियर राशिद, अभी देखिएगा किस तरह से आग उगलेंगे। इंजीनियर राशिद साहब, इनके आग के लिए हम दमकल के, ठीक है, आपकी दमकल की गाड़ी तैयार है, चलिए शोर मत मचाइएगा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो इस समय कश्मीर में हो रहा है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अलगाववादी जेल में बंद और आतंकवादी ढेर, सही काम कर रही है मोदी सरकार, लेकिन आपका कुछ कुछ साथ दे रही है महबूबा मुफ्ती वहां पर कश्मीर में, इससे तो खुश होंगे आप? आप धीरे धीरे क्यों नहीं बोलते हैं? आप गुस्सा क्यों करते हैं? हेलो इंजीनियर राशिद, जवाब दीजिए। लाइन ये सही, हेलो जवाब दीजिए इंजीनियर राशिद। हाँ, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। जो आपने कहा हुर्रियत के लीडर बंद हो गए हैं और अलगाववादी ढेर हो रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए, अगर गिलानी या मीरवाइज ने हवाला से पैसा लिया, एनआईए ने उनको लिया, वो एनआईए का काम है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, सरकार को चाहिए था कि गिलानी साहब और मीरवाइज को कहते आप अपना पक्ष रख लीजिए, आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे हैं, आज आपने गिलानी के बेटे को किसी जगह मीडिया से बात नहीं करने दी, इतने बेशर्म लोग आप हैं, इल्जाम उन पर लगाते हैं और फिर बात करनी चाहिए। अबू दजाना पाकिस्तानी मिलिटेंट था, उसके जनाजे में आपने उसका जनाजा नहीं पढ़ने दिया, 100 जगह उसका जनाजा पड़ गया, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट लोगों के दिलों पर राज करता है और आपकी फौज को लोग यहाँ पर टेररिस्ट फौज मानती है। बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन ली पिछले 15 साल के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ही दौरा, अब अंदर जाने की बारी है, अब अबू दुजाना जैसे लोगों की मरने की बारी है। कोई बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली आप लोगों की, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप महबूबा मुफ्ती को सुनाइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप फारूक अब्दुल्ला को सुनाइए, उनको सुनाइए जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, आपका यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। आपने अपनी पार्लियामेंट का भी मजाक बना दिया, आपके हर मुंह से कश्मीरी लोग डरने वाले नहीं हैं, आप हुर्रियत कश्मीरी लोग नहीं, अलगाववादी और आतंकवादी हुर्रियत की वजह से नहीं है, इंजीनियर रशीद की वजह से नहीं है, जब हिंदुस्तान नहीं था, जम्मू कश्मीर तब भी एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मुल्क था, हमारा अपना एजेंडा था। रशीद मान लीजिए आप जो बाबा मुफ्ती ने कहा कर रही है, उनके नारे का यहाँ कोई खरीदार नहीं, हमने यहाँ 1 लाख लोगों की कुर्बानी रास्ते खोलने के लिए नहीं दिए, हमने 1 लाख लोगों की कुर्बानी ज्वाइंट असेंबली तो इलेक्शन लड़ा, क्या हुर्रियत इलेक्टेड लोग हैं? आपका 35 अगर हुर्रियत जैसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते और यहाँ आतंक फैलवाते, हम उनसे बात करें, हम तो बात करेंगे जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनसे ना, हम बात करेंगे अपने लोगों से। मैं मुझे हमारा देश है, मुझे पता है हम अपने लोगों से बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे पता आपके इमोशंस आई है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, देश की जनता रिएक्ट कर रही है ट्विटर पर और फेसबुक पे, और जू में लोगों का जो रिएक्ट करे, मैं लाइव आपके सवालों को उठाने जा रहा हूँ ब्रेक के बाद, और एक बहुत बड़ा खुलासा मेरे पास है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आर पार जरूर देखिए, आज एक ऐसे साम्राज्य का खुलासा होगा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आर पार में आज बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं लेके आ रहा हूँ अब से कुछ मिनटों में। आप देख रहे हैं आर पार, और मैं कुछ ट्वीट देख रहा था ब्रेक में, कुछ फेसबुक पे राय देख रहा था, रोहित गर्ग लिखते हैं कि इनको जेल में डालो,
व्यवस्था की कदर सदा जरूरी है, ऐसा दिवेश लिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग राय दे रहे हैं। अगर आम कश्मीरी लोगों की मंशा हिंदुस्तान से अलग होने की है तो इन अलगाववादी मच्छरों को क्यों पैसे देने पड़ते हैं पत्थरबाजी करवाने के लिए, ये अनूप सरकार लिख रहे हैं। बहुत से लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी राय दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर। एक विरोध है लोगों का, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह की वाणी बोली जा रही है, जिस तरह की जुबान बोली जा रही है। मैं सीधा इंजीनियर राशिद आपका रुख करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस गिलानी की, जिस गद्दार गिलानी की आप हिमायत करते हैं, जिस पाकिस्तान परस्त गिलानी की आप हिमायत करते हैं, मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि उसके पास असल में है क्या क्या। अनंतनाग और सपौर में करोड़ों की संपत्ति है इन जनाब के पास। रहमताबाद कॉलोनी में आलीशान बंगला और एक बड़ा दफ्तर है। पहले वो संभाल के बात कीजिए, गिलानी गद्दार नहीं है। आप सुनिए, जुबान आप संभालिए। और उम्र अब्दुल्ला है। आपकी धमकी से गद्दार नहीं है वाला। गिलानी के ट्रस्ट का सपौर में स्कूल है, यूनिक पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में कभी आग नहीं लगी, बाकी तमाम कश्मीर के स्कूलों में आग लगाई गई, लेकिन यूनिक पब्लिक स्कूल जो गद्दार गिलानी का था, पाकिस्तान परस्त का था, उसके स्कूल में आग क्यों नहीं लगी, ये आप सोचिए। इसके बाद दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में एक बड़ा फ्लैट है। श्रीनगर के पागे मेहताब में गिलानी की बड़ी बेटी के नाम 2 मंजिला मकान है। श्रीनगर के बेमीना में बेटी जिहादा के नाम 3 मंजिला बंगला है। सिंगपोल पार्ट में करीब 77,000 स्क्वायर मीटर जमीन है। रहमताबाद में 2 मंजिला मकान है। यह भी मैंने कुछ नाम बताए हैं और लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट बताऊंगा तो अभी 5-10 मिनट और निकल जाएंगे। राशिद इंजीनियर, आप बोल रहे थे जुबान संभाल कर, चलिए मैं जुबान संभाल भी लूंगा, लेकिन अब इनको आप संभाल नहीं पाएंगे। इन लोगों की जगह जेल में है जहां ये लोग जा रहे हैं। इसलिए किसी भी काम में रुकावट पैदा करने के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, इस देश की जनता को आपके लिए कहना पड़ेगा, रुकावट के लिए खेद है, ये कहना पड़ेगा। टेलीविजन पर बोल रहा हूं आपको मैं। कुछ कहने देंगे आप सर? कुछ कहने दीजिए आप, एक एक कुछ शब्द हमें कहने देंगे आप? प्लीज बोलिए बोलिए। मेरी सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपके सारे चार्जेस सही मान लूं, गिलानी साहब ने प्रॉपर्टी बनाई, उनके बेटू ने प्रॉपर्टी बनाई, उनके दामाद ने प्रॉपर्टी बनाई, तो मुझे ये बताइए आज गिलानी साहब के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ताकि वो बताते कि असल कहानी क्या है। अगर आप लोग चोर नहीं है, अगर दिल्ली चोर नहीं है, माइंड योर लैंग्वेज, चोर नहीं है, गिलानी के बेटे को मीडिया से बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? गिलानी के बेटे को मीडिया से बात क्यों नहीं करने दी? जगह वो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वाले उसका सवाल करते हैं, कैसे आप तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब दिल्ली को चोर बताया जा रहा है। मैं इन शब्दों का खंडन करता हूं, आप अपनी भाषा को नियंत्रित रखें। आपके पास कहने जस्टिफाई करने दे कि उन्होंने चोरियां क्यों की? अरे अरे, वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का मूर्ख बना रहा है। अब चोर कौन है? उनको चोर तो वो है, चोर तो वो है, पैसा कहाँ से है? अगर गिलानी साहब की क्या जायदाद है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करता है कि वो जहर उगलाता है। किसी भी आदमी को इस देश में, इस देश के खिलाफ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। ये देश के लोग, देश के लोग नहीं बोल सकते। आप इस देश के खिलाफ जहर नहीं उगल सकते। लोगों का भला चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप अपने अपने घर में बैठ के कीजिए। देश का हिस्सा नहीं है जब तक आप राजकुमारी, आप कश्मीर इस देश का हिस्सा है। 1846 से पहले ये सरजमी हमारी थी। अगर महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिश से ये लिया तो ब्रिटिश अंपायर हमारी नहीं थी। उसका बोलो ब्रिटिश अंपायर की जाके बात करें। जम्मू एंड कश्मीर 10,000 साल से ये सरजमी हमारी है। 1846 में अगर अंग्रेजों से कुछ पैसे दे के उन्होंने रूल करने की इजाजत दी तो इसका मतलब ये नहीं है ये सरजमी हमारी नहीं है। बाहर क्यों नहीं निकल सकते? ये हमारी आजादी के टाइम की कुछ मजबूरी है। इंजीनियर राशिद, एक सेकंड इंजीनियर राशिद, इंजीनियर राशिद, आप आपे में रहे, आपा ना खोए और भाषा की मर्यादा रखे। देखिए आप जैसे लोगों से कश्मीर इतना कमजोर नहीं है कि आप जैसे लोगों की तटपुंजी हरकतों से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। आप भारत का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर है और रहेगा। आप पता नहीं भारत का कश्मीर हर नाम श्रीनगर के अंदर हमारा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नाम है। इन ये जो अलगाववादी सोच के लोग हैं, शाहनवाज हुसैन, इन अलगाववादी सोच के लोगों को बार बार आपको सुनने की जरूरत है। एक ही बात सुनने तो सब कुछ साफ हो जाता है। अब आप बताइए कि आपकी मुख्यमंत्री बैठकर इन लोगों का वहाँ पक्ष लेने की कोशिश कर रही है, बताइए, चेतावनी दे रही है, क्या करें? बेटे से मैं कह रहा हूँ,
इंजीनियर राशिद तो गिलानी के बेटे से भी ज्यादा बातें टीवी पे आके कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये डेमोक्रेसी है, टीवी पर बैठकर भी इतनी बातें कह रहे हैं, यही संविधान जो इजाजत दे देता है बोलने की। आप क्या चाहते हैं कि आतंकवादियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें? महबूबा मुफ्ती का क्या करेंगे? वही भाषा बोल रहे हैं आप, हिंदुस्तान के संविधान के जरिए चुने जाते हैं, क्या करेंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए चुने जाते हैं, महबूबा मुफ्ती का क्या करेंगे? हर कश्मीरी आतंकवादी जनाब क्यों नजर आता है? नसीम गिलानी कोई आतंकवादी नहीं है। आप आतंकवादियों को पालने वाला कौन है? आतंकवादियों को पोसने वाला कौन है? पत्थर के लिए पाकिस्तान से पैसा लाकर तो मुझे बताइए, सैनिकों पर हमला करवाने वाला कौन है? बताइए पत्थरबाजों को पैसा देने वाला कौन है? इंजीनियर राशिद, जिस तरह की जबान आप टेलीविजन पर बोलते हैं, ये जबान आपने चुनाव लड़ा, लाहौर गए, आपने चुनाव लड़ा, हल करेंगे क्या वाजपेयी जी? आपने चुनाव लड़ा भारत के संविधान के जरिए और आप कह रहे हैं जिन्होंने होम सेक्रेटरी ने आप ये खाब निकाल दें कश्मीर हिंदुस्तान का थड़ा है और रहेगा। आप बोल बोल कर आप लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। हम कश्मीर के लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। मैं रुक आप उनको जहन्नम में ले जा रहे हैं। वो हाल होगा जो अबू दुजाना का हाल होगा, जो लोग मुल्क को तोड़ना चाहेंगे वो कायम से जारी होगा। आप चाहते क्या है? इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? अगर एक इलेक्शन का सामना करती तो हूरियत जिंदा इसलिए है, जो आप साजिश कर रहे हैं वो हूरियत जिंदा इसलिए है, होने वाली नहीं है हूरियत इस पूरे नहीं। मैं मुखड़े को बताइए, जिस इंजीनियर राशिद से बयान बात कर रहे हैं उनके ऐसे ऐसे बयान है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इस देश की जनता को। इंजीनियर राशिद अपनी वाणी को विराम दीजिए। मेरे साथ कैप्टन गौड़ भी हैं, पीडीपी के नुमाइंदे हैं, मेरे साथ इस डिबेट के अंदर आलोक शर्मा भी हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। आलोक शर्मा, आपने पूरा वाद विवाद सुना, क्या आपको लगता है महबूबा मुफ्ती को ढकने की कोशिश हो रही है और इंजीनियर राशिद की आड़ में ढका भी जा रहा है पूरी तरह से? ये सवाल बहुत सीधा है। देखिए, मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का आज जो स्टैंड है दोनों का सेम स्टैंड है, तो बीजेपी सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को ढकना चाहती है। जो स्टैंड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में 35A को लेकर था, वही स्टैंड बीजेपी का है केंद्र की सरकार का। तो मैं समझता हूं कि दोनों के दोनों धारा 370 पर, देखिए मैं समझता हूं कांग्रेस का स्टैंड क्या है, मैं जानना चाहूंगा। कांग्रेस का स्टैंड सीधा सीधा यह है कि जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं है, इस बारे में ज्यादा जितना वाद विवाद करेंगे उतना विवाद बढ़ेगा। लेकिन हमने धारा 370 के नाम पर 70 साल वोट नहीं मांगा है। जिस पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के ऊपर तमाम लंबे समय तक वोट मांगा है, आज वो पूरी तरह से खामोश हो जाए और अपने 70 साल के स्टैंड को पलट के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे, तो मैं समझ खामोश है बिल्कुल। 3 साल से एक शब्द नहीं आया है मोदी साहब का के धारा 370 किसी बड़े लीडर ने या गृह मंत्री ने नाम भी लिया हो। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूँ, एक चीज और है इसमें अमीश जी मैं समझता हूँ कि देखिए, हम बार बार कहें कि साहब कोई भी दिक्कत होती है तो पाकिस्तान जिम्मेदार है, मुझे केवल ये बता दीजिए। धारा 370 पर जो कांग्रेस का स्टैंड है हमने पूरी तरह से बता दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आज स्टैंड है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा जो है वो पूरी तरह से आज रो रही होगी कि बीजेपी क्या निकली और क्या सोचा था मैंने। दूसरी चीज जहां तक बात है अलगाववादियों की, अलगाववादियों के साथ बातचीत करना नहीं करना तो इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो जो आज पीडीपी का स्टैंड है वो बीजेपी का स्टैंड है, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो दोनों लोगों का एक है। दुर्भाग्य यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कभी भी जग जाहिर नहीं करते हैं ये लोग। आलोक शर्मा, मुझे केवल ये बता दीजिए, 5,000 के करीब पत्थरबाज जो थे उनको क्यों छोड़ा गया? ईद से पहले 700 पत्थरबाजों को क्यों छोड़ा गया? आज आप कहते हैं कि कश्मीर में जो भी समस्या पत्थरबाजों की वजह से और की, पाकिस्तान करा रहा है। अरे भाई, आप लोग पत्थरबाजों को क्यों छोड़ रहे? 5,000 पत्थरबाजों को छोड़ा है, 700 पत्थरबाज वो थे जो पहली सरकार दे रहे थे। मानना भी पड़ेगा कि मोदी सरकार ने बड़ी जहां तक गिलानी की और उसकी बात है, 2002 में भी गिलानी को बीजेपी की सोच आपने सुन ली कैप्टन गौड़, कैप्टन गौड़ आपने बीजेपी की सोच सुनी, देखिए तमाम लोग बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। कैप्टन गौर आज अपनी बीजेपी की सोच सुनी कि वो धारा 370 को हटाना चाहते हैं, बताइए अब आप क्या करेंगे? 370 भी हम ही हटाएंगे। महबूबा मुफ्ती अभी शाहनवाज हुसैन छाती ठोक के बोल रहे हैं हटाएंगे तो हम ही हटाएंगे।
हटा देंगे, ये क्या करेंगे आप? और कौन हटाएगा? हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम केंद्र सरकार का कोई लेना आप इनको मौका दे रहे निकलने का? या तो मेरी बात सुन ले, बताइए कैप्टन गौड़। सारे बोलते रहेंगे तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। कैप्टन गौड़ क्या करेंगे आप? आपकी चेतावनी की टाइटा मिस हो गई है। आपके माध्यम और आप अमीश जी, जी सर, पहली बात तो आपके आपको ये सबको मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 जो है उसको जो हटाने की बात है उसका एक संविधान प्रोविजन है और वो उसी के तहत हो सकती है। ये आप कहें कि जी हम इसको हटा दें, ये कोई ऐसा नहीं होगा। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लेजिस्लेचर को नहीं रिकमेंड करेगी और लेजिस्लेचर ये प्रेसिडेंट को नहीं रिकमेंड करेगा, नंबर दो जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, ये 1947 से इन्हीं के अध्ययन है, ये जो बार बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर चले हैं, 6 साल पहले सरकार में रहे, आज फिर अभी 3.5 साल से सरकार है, और जो इलेक्शन सारी इन्होंने मैनिपुलेट की। दूसरी बात जो रहेगी बात आइडिया की, अब पीडीपी का जो आइडिया है वो यही है कि जो भी हमारा इलाका, चाहे वो एक्साइज चीन चाइना के अंडर है, चाहे वो जो हमारा जेएनके का इलाका पाकिस्तान के अंडर है, मैं ब्रेक लेता हूं सर, मैं ब्रेक लेता हूं। आलोक शर्मा, आलोक 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 शर्मा, मैं वापस आता हूं और आप ही से शुरू करूंगा। आलोक शर्मा कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्योंकि आपने कांग्रेस पर एक बड़ी टिप्पणी करी थी। मैं एक ब्रेक लेता हूं, अंतराल लेता हूं, लेकिन ट्विटर पर फेसबुक पर आप लोगों के बहुत रिएक्शन आ रहे हैं और एक बार फिर आऊंगा मैं लाइव आपके सवालों को लूंगा। एक सज्जन लिख रहे हैं कि ये पूछिए कांग्रेस से, जब इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तब ये तमाम मुद्दे कहां गए थे, तब ये क्यों लोगों ने चुप्पी साधी हुई थी? जब जनता पूछती है तो जवाब देना पड़ता है। और बीजेपी से सवाल पूछने के लिए कह रहे हैं कि पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि अब धारा 370 कब हटाने जा रहे हैं। आज आर पार इसी पर। ट्विटर पर राष्ट्रवादी सुनील लिख रहे हैं कि मेरे लिए अच्छे दिन यही है कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना छोड़ दिया है, जय हिंद। अशोक गुप्ता लिख रहे हैं कि इस राशिद साहब आए हुए हैं इनसे जनता पर खराब असर पड़ेगा, इनको तुरंत बाहर निकालिए। एक सज्जन लिख रहे हैं कि बीजेपी को और क्या चाहिए महबूबा मुफ्ती से जब वो उनका गठबंधन तोड़ेगी। एक सज्जन लिख रहे हैं कि कांग्रेस धारा 370 पर अभी तक क्यों चुपचाप बैठी रही 70 सालों से और अब उसको ये क्यों याद आ रहा है। और पीडीपी से यही सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी ने तो महबूबा मुफ्ती को कड़ा और बड़ा संदेश दे दिया कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में जाती है तो जाए, लेकिन आतंकवादियों पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। आप कश्मीर से भी ये फेसबुक पोस्ट देखा कि बताइए मुझे राशिद इंजीनियर, मैं आपके पास आता हूँ, आपकी भी फेसबुक पोस्ट एक निकाली है मैंने, अभी आपको मैं बताऊंगा, रुकिए और जनता भी रुके, मैं जो राशिद इंजीनियर के बारे में एक फैक्ट निकाल के लाया हूं, अभी आप जवाब दीजिए कैप्टन गौड़। अमित जी, आपको किसने कहा कि पीडीपी इसमें सहमत नहीं है? जो कार्रवाइयां चल रही है, अगर पीडीपी सहमत नहीं होती, सरकार सहमत नहीं होती तो क्या ये चलती? पीडीपी और बीजेपी की सहमत सरकार है और जो ये कार्रवाइयां चल रही हैं, जो भी कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा उसके कानून का पूरा उत्तर दूंगा, पंजा उसके ऊपर कसा जाएगा। और वो कर रहा है। कब कहा महबूबा मुफ्ती ने, कब कहा महबूबा मुफ्ती ने कि बुरहान वानी आतंकवादी था और मारा गया? आप मुझे बताइए, दुजाना पर कुछ अभी तक बोला? ये जो जनाजे निकल रहे हैं इस पर क्या बोला? और जो आइडिया है वो क्या है? कैप्टन गौर, मारते रहो कश्मीरियों को। आइडिया जो है वो ये है कि पूरा जो हमारा जेएनके था, जो एक्साइज और जो पीओके है, वो सारा का सारा एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है वो आपस में मिलजुल करें। दिस इज द आइडिया। ओके 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 विशंबर दयाल 30 सेकंड है, बुलेट पॉइंट 30 सेकंड, बुलेट पॉइंट। राजेंद्र इंजीनियर अपनी वाणी को विराम दीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी आपके पास आता हूँ, आपका कच्चा चिट्ठा साथ लेकर बैठा हूँ जनाब, ऐसे नहीं बैठा, अभी आता हूँ आपके पास, आपको पकड़ूंगा। अमीश जी, रशीद, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आर्टिकल 35A और 370A और नो आर्टिकल, जब तक ये देश है जम्मू एंड कश्मीर हमारा रहेगा और वहां तिरंगा फहराएंगे, तिरंगे के लिए हमें शोल्डर नहीं चाहिए, तिरंगा फहराएंगे। दूसरी बात, जो आइडिया है गौड़ साहब आप ठीक बोल रहे हैं, उसको पूरा पीओके
सब कुछ जम्मू एंड कश्मीर हमारे इसका एक अटूट अरे ये तो बोल रहे महबूबा मुफ्ती क्या बोलती है सर, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक लेकिन जिस अंदाज में महबूबा ने बोला है वो खतरनाक है। उसने उस अंदाज में बोला है जिस अंदाज में अलगाववादी बोलते, जिस अंदाज में इस देश द्रोही लोग बोलते, उसने जिस लहजे में और जिस स्टाइल से वो बात बोली है, ऊपर जाना चाहिए कि अंदाज जैसे पाकिस्तान बोलते हैं। अगर वो बात है तो मैं समझता हूँ कि मुफ्ती महबूबा का वक्त आ चुका है, मुफ्ती महबूबा का वक्त आ चुका है, उसकी सरकार भंग कर देनी चाहिए, क्योंकि इन जनाजों को निकालने में वो आइडिया को फैलाती है और आप कहेंगे कि अब टेररिस्ट मारते वो नहीं चलेगा। आईएसआई चाहती है टेररिस्ट मरे, लेकिन बड़े बड़े जनाजे निकले ताकि ये आइडिया फैले। अगर आप पीडीपी सच्ची है, अगर आपकी सच्ची अगर आप लोग सच्ची निष्ठा है पीडीपी की, महबूबा की सच्ची निष्ठा है, तो जनाजे निकालने बंद करें। आपके पास पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आप क्यों नहीं उनकी खिलाफत करते? अरे ये जो अलग बोलते हैं स्टूडियो में आके अलग बाहर अलग। सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी सरकार हो, आपको पता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस 89 से जब से वहां डिप्लॉय है। राशिद इंजीनियर राशिद इंजीनियर आप कहते हैं जितने भी मुसलमान बेरोजगार हो गए। एक सेकंड सर, पाकिस्तानी टेररिस्ट उसका जनाजा निकले तो पॉलिटिकल पार्टी को साउथ कश्मीर में शर्म से डूब मरना चाहिए। हम यहां दिल्ली में मारते लाओ और कोई निकलेगा पीछे उसके? क्यों निकला जनाजा? क्योंकि आपने पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, दैट्स द प्रॉब्लम। पॉलिटिकल वर्कर उनके साथ है और यही खतरा है। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूँ। राशिद इंजीनियर बीजेपी को इसी बात की सोच होनी चाहिए, राशिद इंजीनियर बीजेपी को इसी चीज की चिंता होनी चाहिए। राशिद इंजीनियर एक बात बताइए, आपका एक बयान पढ़ रहा हूँ, उसे बिल्कुल राशिद इंजीनियर आपका एक बयान पढ़ा हूँ, जितने भी मुसलमान बेरोजगार हो गए हैं वो सब लश्करे तैयबा में जुड़ जाएं, क्या करें फिर? जुड़कर गोलियां चलाएं? शर्म आ रही है इस बयान पर? किसने दिया है बयान? किसने दिया है? किसने दिया है? आपने बोला जनाब, किसने दिया है बयान? आपने बोला है अगर ऐसा सही होगा आई विल रिजाइन। इट इज क्या कमाल करते हैं देवगन जी, अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखिए। क्या मैं अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल, क्या मैं ऐसा कहता? अगर ऐसा सही होगा आई विल रिजाइन। आई चैलेंज यू, जो हमारा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है। आपने बोला वो लोग बेरोजगार नहीं है, वो कन्विक्शन से जाते हैं। अरे कोई देखिए देखिए कन्विक्शन, वो भी आतंकवाद के अंदर। चलिए मैं आखिरी दौर है, मैं 30 सेकंड बीजेपी और कांग्रेस को देना चाहता हूँ। मैं आपसे जाना चाहता हूँ, मैं आलोक शर्मा मैं आप सबको ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। आलोक शर्मा मैं आपको आपका रुख करता हूँ और मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूँ। आप बार बार कह रहे 370 हटा के दिखाए बीजेपी, अभी जब माहौल आएगा तब हटाना चाहिए। 70 सालों से आपका रास्ता, हटा पाए आप? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए मैं समझता हूँ कि हमने धारा 370 के नाम पर वोट नहीं मांगा कि हम आएंगे और धारा 370 हटा देंगे इसलिए हमें वोट दे दो। बीजेपी का स्टैंड रहा है ये 70 सालों तक, उन्होंने वोट मांगा है कि हम धारा 370 को हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की शहादत के ऊपर हमेशा से उनकी शव यात्रा पर भी वोट मांगी है, सवाल इसलिए उनसे पूछा जाता है। लेकिन आज बिल्कुल इसके विपरीत आपका स्टैंड जब आता है 16 जुलाई को, तब ये दुख होता है कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है वो ये है, 6 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के लॉ मिनिस्टर ने कहा कि आप कर रहे हैं, आलोक जी आप अपनी बात कह ली, आलोक शर्मा आपने 50 सेकंड लिए, अब 30 सेकंड शाहनवाज हुसैन को दीजिए। शाहनवाज हुसैन जवाब दीजिए, धारा 370 में आपकी निष्ठा है तो निष्ठा कब पूरी होने जा रही है? मोदी सरकार गर्म है लेकिन नरम है महबूबा मुफ्ती, बताइए कब होगा ये सब कुछ? नेहरू जी की आत्मा तभी। देखिए हमने जो कमिटमेंट किया, जो कमिटमेंट हमारा है उस पर हम कायम हैं। आज हम बड़े परिस्थिति को ठीक कर रहे हैं, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, और वो भी सपना जो देश के लोगों का है वो हमने जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। जो महबूबा मुफ्ती का क्या करेंगे की है उसको हम महबूबा मुफ्ती के लिए तिरंगे को कंधा नहीं मिलेगा, चैलेंज कर रही है उसको। कोई तिरंगा है और रहेगा, तिरंगा है और रहेगा। चलिए फिलहाल टाइम यही खत्म होता है, आर पार यही खत्म होता है, लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि कुछ
पॉलिटिकल कॉस्ट तो देनी पड़ेगी इसके लिए, चाहे बीजेपी दे या पीडीपी, इसी को तो देनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आर पार हो रहा है कश्मीर के अंदर, क्या आप कश्मीर की समस्या का बड़ा हल निकल पाएगा? अभी नहीं। चलिए तो फिलहाल आर पार में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार।